हेलो गाइस, आप सभी ने इंटरनेट तो बहुत यूज किए होंगे, गूगल, बिंग, याहू पे भी सर्च किए होंगे, सोशल मीडिया से यूज किए होंगे एंड बहुत सारे फाइल को अपलोड डाउनलोड किए होंगे। बेसिकली हम सभी को लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत वास्ट दुनिया है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हम जितने भी अभी तक इंटरनेट यूज कर चुके वो टोटल इंटरनेट वर्क का बस 1% हिस्सा है ना? अजीब बात। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिसॉफ्ट मीडिया में। मैं हूं भुवन छेत्री और हम आज उसी 99% अननोन दुनिया के बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों, बेसिकली इंटरनेट वेब को 3 भागों में भाग किया गया है। सबसे पहले सरफेस वेब, और दूसरा है डीप वेब, और तीसरा है डार्क वेब। तो आइए इन तीनों वेब के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले सरफेस वेब। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सरफेस वेब, और सरफेस वेब के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप सभी ऑलरेडी यूज कर चुके हो, क्योंकि जितने भी गूगल, याहू, बिंग वगैरह कुछ भी चीजें होते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, वो सारे के सारे सरफेस वेब के जोन में आते हैं। इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये सब आपको पता ही है। लेकिन हाँ, ये सरफेस वेब गवर्नमेंट सर्विलेंस के अंडर में रहता है, इसलिए आप सभी लोग इसे ध्यान से यूज़ कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं डीप वेब की। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट है डीप वेब, और डीप वेब के बारे में अगर मैं बताऊँ तो डीप वेब वो इंटरनेट वेब का हिस्सा है जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस होनी चाहिए, और इसे एक्सेस हाईली ऑथराइज्ड पीपल ही कर सकते हैं। इसीलिए इसमें गवर्नमेंटल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं ताकि कोई इसे एक्सेस ना करे, कोई इसे बिगाड़ ना सके। हमारा तीसरा टाइप का इंटरनेट वेब है डार्क वेब, और इसे बताने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसे एक्सेस करना तक इलीगल है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए गाइस, बी केयरफुल, और जितने भी मैं इसके बारे में बताऊंगा उसे घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। हमारा तीसरा टाइप का इंटरनेट वेब है डार्क वेब, और डार्क वेब को US मिलिट्री ने शुरू किया था अपनी प्रोग्राम्स को वगैरह, डेटा को स्टोर करने के लिए। और डार्क वेब में आपको सारी इलीगल चीज़ें मिलेंगी जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग, गन डीलिंग, और अगर आप किसी इलीगल काम के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं तो इसमें आपको हैकर्स मिलेंगे, बल्गर्स मिलेंगे और हिटमैन्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल रहा है कि ये कितना इलीगल है, तो आपको मन में एक सवाल आएगा दोस्तों कि अगर US मिलिट्री इसे फंडिंग करती है, इसे चलाती है, तो फिर ये इतना इलीगल क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आपकी गाड़ी सड़क पे अकेली खड़ी है और कोई चोर अगर उसे चुराना चाहे तो आसानी से चुरा सकता है, लेकिन अगर उसी सड़क पे 50 और गाड़ियाँ खड़ी है तो अगर चोर उसे चुराना चाहे तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ही ना। ठीक उसी तरह मिलिट्री, US मिलिट्री भी अपनी इन्फॉर्मेशन को, डेटास को इस तरह स्टोर करता है कि कोई और उसे एक्सेस ना कर सके। अगर उसे एक्सेस करना चाहे तो मुश्किल हो। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा ही नहीं कि आप इसे एक्सेस करें, लेकिन अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो तो आपके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है जो कि है टॉर ब्राउजर, और इसे हम ऑनियन राउटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपका ये ब्राउजर आपका एनोनिमिटी मेंटेन किए रखता है, यानी कि आपका आईडी दिखाता नहीं किसी का, आपका इन्फॉर्मेशन किसी को देता नहीं है। आपका जो आईडी है इन्फॉर्मेशन वो फेक बना के इसको दिखाएगा, और आपका आईपी एड्रेस भी ये चेंज करके दिखाता है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो हमारा अगला वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और आपको अगर इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं हूँ भुवन छेत्री, और देखते रहिए एनिसॉफ्ट मीडिया।